प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो आपका सिलेबस है मिट्रम का, उसमें आपकी शामिल हो सकते हैं चीज है, अधिकार तरतीब है, गिनती अदबी तरतीब, मुकदम और नस, वाजिब जवाब, कलमा और मेहनत। ये आपका सिलेबस है जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आप लोगों को मैंने वर्कशीट किया ना पेज नंबर 1, 2, 3, जो आप लोग क्वालिफाई करती है उसकी सरगर्मी, ये सब मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ दिन पहले। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये काम उसके अंदर कम्प्लीट कर लिया होगा, और ये काम आपका किताब का ही काम है या फिर किताब में ही करेंगे। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों को सफा नंबर करवाने जा रही हूँ, सफा नंबर है 4। सफा नंबर 4 पे जो आपको सरगर्मी की गई है, वो आपको फूल बनावा नजर आ रहा है। इस फूल में नव चुनकर अलिफ बाई तरतीब से पत्तों में लिखी, ठीक है। इसके अंदर जो पत्तों के अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं, इसको आप अलिफ बाई तरतीब देंगे, उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे। जैसे आपका पहली हरूफ से तहजी आता है अलिफ, तो आपका पहला हरूफ कौन सा होना चाहिए, आप तलाश कर रहे हैं अलिफ से कौन सा अल्फाज शुरू हो रहा है, वो हो रहा है अम्मी। पहला वर्ड आ रहा है आपका अम्मी। फिर इसी तरह आप दूसरा अल्फाज शुरू करें अलिफ के बाद, कौन सा हरूफ से तहजी आता है बे, तो फिर अब आप बे के ऊपर नंबर 2 डालिए बारिश। फिर तीसरा आपका वर्ड आ रहा है पंखा। फिर चौथा आ रहा है आपका के से तलाश। ये आप उसे तहजी के ना नंबरिंग करें पूरे सावर के अंदर। सावर में जब आप नंबर डाल देंगे 1, 2, 3, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ नीचे एक्सरसाइज में लिखना, सही है। इसी तरह आपको ये अलिफान तरतीब से ही पूरी एक्सरसाइज लर्न करेंगे। अलिफ के बाद बे आता है, फिर के से अल्फाज तलाश करें, फिर के से, फिर जो जो आपके मुझसे तहजी आता जाए वो आप उसको लर्न करेंगे। ये आपका सफा नंबर 4 का अलिफान तरतीब के हिसाब से, ठीक। अब आप आ जाइए सफा नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास सफा नंबर 5 में जो एक्सरसाइज दी गई है वो है अपने इर्द गिर्द मौजूद, यानी आपके जो चारों तरफ इर्द गिर्द का मतलब है आपके चारों तरफ चीजें मौजूद हैं, उन 5 चीजों के नाम आप लिखने। पहले चीजों के नाम लिखने के बाद अलिफ बा तरतीब, यानी उनको फिर तरतीब देख के, पहला अलिफ से शुरू होने वाला, फिर बे से शुरू होने वाला, के से, जो जो अलिफ बा तरतीब से वो आप तरतीब देंगे। तरतीब देने के बाद आप उनको लिख कर आप उसके जुमले बनाएंगे। जैसे नंबर 1 के पर अलिफ से आम आ रहा था, मैंने आम लिखा और आपका जुमला बनाया, ठीक है। इसी तरह बे से बस्ता, बस्ता आप लिखेंगे, बस्ते का जुमला बनाएंगे। फिर के से पेंसिल लिखेंगे, उसका जुमला बनाएंगे। के से टोपी लिखिए, उसका सेंटेंस बनाएंगे। फिर काफ से कुर्सी। ये आप अलिफ तरतीब से आप अपने ही जुमलों को मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, ये सफर नंबर 5 आप लोगों को कम्प्लीट करना है, मुकम्मल करना है। और जो होमवर्क के अंदर है आपका सफर नंबर 6 और 7, बहुत ईजी है, गिनती है मुर्सी और अदबी गिनती है आप लोगों की, ये आपको जरूर कम्प्लीट कीजिएगा। सफा नंबर 7 तक मुकम्मल करने के बाद आप ये अपनी की किताब मेरे पास स्कूल में सबमिट करवाएं, जमा करवाएं, ताकि मैं आपको चेक करके वापस करूं आहिस्ता आहिस्ता। और जो आप वर्कशीट में अपनी काम कर रहे हैं वो आप लोग जरूर कॉपी में भी कीजिए बेटा। हम का काम, नाक का काम, और जो थर्ड चैप्टर है आपका, मैं थर्ड चैप्टर तक आप लोगों को वर्कशीट दे चुकी हूँ। ये सारे काम आप लोग अपने कॉपी में भी कंप्लीट करें, कॉपी भी लाके चेक करवाएं, बुक भी चेक करवाएं, कॉपी भी चेक करवाएं, ताकि आप लोग जब स्कूल आए तो आप लोगों को मुश्किल ना, ठीक है। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास सफर नंबर 7 तक डन हुई है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इंशाल्लाह लेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।